दिवाली के इस मौके पर अगर आप भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इनकम टैक्स के कुछ ऐसे रूल्स के बारे में जिनका पता होना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गलती से भी आपने इन रूल्स को फॉलो नहीं किया तो आप एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 114B के तहत अगर आप 2 लाख या उससे ज्यादा की वैल्यू का गोल्ड खरीदते हैं तो आपके लिए पैन कार्ड दिखाना जरूरी हो जाता है, और ये इसीलिए जरूरी है ताकि काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सके। अब जानते हैं कि कैश देकर आप कितने तक का गोल्ड खरीद सकते हैं। तो अगर आप कैश देकर गोल्ड लेना चाहते हैं तो उस केस में भी आप सिर्फ 2 लाख तक का गोल्ड ही कैश से खरीद सकते हैं। अगर आपको 2 लाख रुपए से ज्यादा का गोल्ड लेना है तो उसकी पेमेंट आपको कार्ड या चेक के थ्रू ही करनी होगी, और अगर आपने ये नियम तोड़ा तो ऐसे में जो कैश लेने वाला है उसको फाइन देना पड़ेगा। गोल्ड खरीदने के लिए क्या नियम है ये तो हमने जान लिया, अब जानते हैं कि एक शख्स अपने पास कितने तक का गोल्ड रख सकता है। अगर बात करें एक शादीशुदा महिला की तो एक शादीशुदा महिला अपने पास 500 ग्राम तक का गोल्ड रख सकती है, वहीं अनमैरिड महिला अपने पास 250 ग्राम तक का गोल्ड रख सकती है, और वहीं एक पुरुष अपने पास 100 ग्राम तक का गोल्ड रख सकता है। और अगर आप इस लिमिट से ज्यादा का गोल्ड अपने पास रखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये जवाब देना होगा कि आपके पास ये एक्स्ट्रा गोल्ड आया कहाँ से। तो अगर आप भी इस वेडिंग सीजन अच्छा खासा गोल्ड खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इन रूल्स को ध्यान में जरूर रखें, और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे जी बिजनेस के साथ।